अब तक आपने देखा गोकुल से गौरस ना प्राप्त होने पर कंस के योद्धाओं को गोकुलवासियों पर अत्याचार करते देख कान्हा उन्हें मल्लयुद्ध की चुनौती देते हैं, किंतु समय से पहुंची यशोदा कान्हा तथा बलराम को युद्ध करने से रोक देती हैं, किंतु आलम्बासुर द्वारा उनके मातृत्व का अपमान करने पर वो दोनों भाइयों को मल्लयुद्ध में विजय होने का आशीर्वाद देती हैं। कान्हा एवं बलराम कंस के योद्धाओं को धूल चटा देते हैं। अब आगे भगवान कंस के वीर योद्धाओं की ये स्थिति। समझ सकता हूं तुम लोगों की चिंता, किंतु चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो चिंता और दुख छोड़ो और मक्खन खाओ। मक्खन लो, खाओ 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 खाओ। लो, ब्रजमंडल की ओर से कितने योद्धा थे? भगवान दो दो तो लो, तुम भी लो, तुम भी लो, केवल दो लो, तुम भी खाओ, तुम भी। किंतु तुम लोगों की स्थिति देखकर तो लग रहा है जैसे सारे ब्रजवासियों ने मिलकर तुम्हारी गति बना दी। उन दो योद्धाओं के नाम क्या थे? योद्धा नहीं, बच्चे थे। वर्षों से तुम दोनों मेरे साथ छल करते रहे। छल? हमने कोई छल नहीं किया भगवान। नहीं भगवान, हमने कोई छल नहीं किया आपके साथ। तो क्या ब्रजमंडल से दूध मक्खन के स्थान पर यमुना का जल लाते रहे? यदि वास्तव में ब्रजमंडल से दूध और मक्खन लाते तो क्या मेरे वीर योद्धा यूं छोटे छोटे बच्चों से पिटकर आते? वो दूध मक्खन जल था या इन योद्धाओं का रक्त जल है? तभी तो उन बच्चों से पिटने के बाद भी जीवित है। क्या किया कंस? चक्रधारी विष्णु कितने पाप करवाएगा मुझसे? मैंने ऐसे कई अपराध तेरे लिए किए हैं, किंतु आज मैं अपने लिए करूंगा। सर्वनाश कर दूंगा मैं तेरे उस गोकुल का, तेरे उस गोकुल का दिल के कितना उड़ा दूंगा उसे, उड़ा दूंगा उसे। दृणावर्त, दृणावर्त। त्रिणावर्त को अभी बुलाने की भूल मत करना, क्योंकि विष्णु को क्रोध और विनाश से नहीं अपितु उसी के समान छल से ही जीता जा सकता है। अपने कुबुद्धि और दुर्बुद्धि का प्रयोग मेरे साथ मत कर रहा हो। बस कुछ दिन और प्रतीक्षा कर ले कंस, मैं अपनी कुबुद्धि और दुर्बुद्धि के प्रयोग से उस नारायण के अत्यंत समीप पहुंच चुका हूं। तेरे पास कुछ ही समय शेष है राव। यदि तूने शीघ्र ही विष्णु का पता नहीं लगाया तो मैं तुझे सौर मंडल का अधिपति नहीं स्मेल का सेवक बना दूंगा, सेवक बना दूंगा।
अपने काना को संभालो। गोकुल वासियों के सम्मुख महाराज कंस के विरुद्ध बोल रहा था, उन्हें विद्रोह करने के लिए कह रहा था। बरसाना के लोगों ने हमारा दूध माखन चुराने का दुस्साहस उन्हीं लोगों ने किया है। नंद जी, कान्हा और बलराम ने कंस के योद्धाओं से मल्लयुद्ध करने जा रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हे सत्यनारायण, ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे प्रभु? क्या मैं व्यर्थ ही नंद जी पर संदेह कर रही हूँ, या फिर मैं जो सोच रही हूँ वही सत्य है? हे नारायण, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि नंद जी के स्वभाव में अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। मैया, मैया, तुम्हारे लल्ला को इतनी बड़ी विजय मिली है और तुम्हारी आंखों में अभी भी अश्रु। नहीं लल्ला, मैं तेरे लिए नहीं, अपितु तेरे बाबा के लिए थोड़ी चिंतित हूँ। मैया, क्या बाबा भी किसी से मल्लयुद्ध करने जा रहे हैं? लल्ला, तेरे बाबा को देख के ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं से ही संघर्ष कर रहे हो। उनके बाहर कुछ और है किंतु उनके भीतर कुछ और चल रहा हो। इतने वर्षों की परिचय के बाद भी आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेरे बाबा को जानती ही नहीं। मैया, कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है, किंतु हमें बाबा पे विश्वास रखना चाहिए मैया। अवश्य वो किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे होंगे मैया। जैसे वो समस्या सुलझ जाएगी, बाबा पुनः पहले जैसे ही हो जाएंगे। लल्ला, एक ही क्षण में तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं व्यर्थ ही तेरे बाबा पर संदेह कर रही थी। यशोदा, तुम्हारा संदेह व्यर्थ नहीं था। नंद अब परिवर्तित हो चुका है। अब वो नंद नहीं, राहु है। और राहु ने विष्णु के विशेष कृपा वाले इस ब्रजमंडल के संपूर्ण विनाश की योजना तैयार कर ली है, और उस विनाश का आरंभ तुझसे होगा यशोदा। सर्वप्रथम मैं अपनी कुदृष्टि से तुझसे तेरे इस लल्ला को दूर करूंगा, क्योंकि मुझे संदेह है कि तेरे इस लल्ला का कोई ना कोई संबंध उस विष्णु से अवश्य है। ये कान्हा स्वयं को समझता क्या है? एक तो उसने संपूर्ण ब्रजमंडल का माखन चुरा लिया, और वो स्वयं ही अब हमसे बार बार कह रहा है कि वो माखन चोर है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कान्हा को माखन चोर होने का इतना अभिमान क्यों है। राधा, कान्हा को मक्खन चुराने का अभिमान नहीं, अपितु ग्वाल बालों को उनके अधिकार दिलाने की प्रसन्नता है। ललिता, वो तो कहो, अभी तक हमने ब्रजमंडल के लोगों को कान्हा की सच्चाई नहीं बताई, अन्यथा बड़बू ने कान्हा की सारी प्रसन्नता एक ही पल में समाप्त हो जाती। किंतु राधा, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि ग्वाल बालों को उनका अधिकार मिले, तो तुम अब कान्हा के इतने विरुद्ध क्यों हो? ललिता, हम तो स्वयं चाहते हैं कि ग्वाल बालों को उनका अधिकार मिले, किंतु कान्हा ने संपूर्ण ब्रजमंडल को संकट में डाल दिया। किंतु राधा, मैंने तो सुना है कान्हा और दाऊ ने मिलकर कंस योद्धाओं की ऐसी पिटाई की कि ब्रजमंडल के लिए कभी कोई संकट नहीं बनेंगे। फुलवारी, किंतु ये संकट उत्पन्न भी तो कान्हा ने ही किया था ना? राधा, तुम यहाँ हो और परसाना में बहुत बड़ा संकट आ गया है। संकट? ब्रिज भानु जी, अब इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि जिन गोकुलवासियों को हम अपना परम मित्र समझते थे, वही गोकुलवासी हम बरसाना वासियों पर माखन चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? गोकुलवासी इतना निंदनीय आरोप हम पर कैसे लगा सकते हैं? और
माखन तो हमारा भी चोरी हुआ है। गिरीश भानु जी, ये बात गोकुल वासियों को कौन समझाए? वो तो हमारी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मित्र नंद से बात करूंगा, अवश्य ही गोकुल वासियों से कोई भूल हुई है। किंतु वृष भानु जी, यही तो विडंबना है। गोकुल वासियों से ये बात किसी और ने नहीं अपितु स्वयं आपके मित्र नंद ने कही है कि गोकुल का माखन आपके कहने पर चुराया गया है। नहीं, मैं मित्र नंद को अच्छे से जानता हूं, वो ऐसी मिथ्या बात कर ही नहीं सकते। मुझे अभी गोकुल जाना होगा। अब सत्य क्या है ये केवल नंद से मिलकर ही ज्ञात होगा। क्षमा करें विश्वानु जी, बात अब केवल आपकी नहीं रह गई, संपूर्ण वर्षाना की है। गोकुल वासियों ने संपूर्ण वर्षाना का अपमान किया है और इसीलिए हमें तब तक उनसे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो हमसे क्षमा नहीं मांग लेते। आप लोग सत्य कह रहे हैं, अपराध गोकुल ने किया है, इसलिए पहले गोकुल वासियों को ही हमसे क्षमा मांगने आना चाहिए। आज से गोकुल और बरसाना की मित्रता समाप्त। अब जब तक गोकुलवासी हमसे क्षमा नहीं मांग लेते, बरसाना वासी गोकुल से कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये क्या? कान्हा के अपराध के कारण गोकुल और बरसाना की मित्रता संकट में? अब तो हमें वही करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। अब हमें कान्हा की सच्चाई सबके सामने लाने ही होगी। नारायण नारायण। प्रभु, राहु अपने कुटिल षड्यंत्र के द्वारा गोकुल और बरसाना के मित्रता के मध्य संदेह का बीज बोने में सफल हो ही गया। प्रभु, ऐसे में संपूर्ण ब्रजमंडल की शांति भंग हो जाएगी। प्रभु, राहु ये क्या अनर्थ कर रहा है? प्रभु, काके शोच दयुत करे च सत्यम सर्पिक शांति कलीबे धैर्यम केन्द्रिष्टम श्रुतम वा देव ऋषि। कौवे में पवित्रता, जुआ खेलने वाले में सत्य, सर्प में क्षमा और भीरु व्यक्ति में धैर्य, ये ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। प्रभु, देव ऋषि, इस संसार में सभी जीव और मनुष्य अपनी प्रकृति के स्वरूप ही कर्म करते हैं। राहु भी वही कर रहा है, अपने बुरे स्वभाव के स्वरूप बुरा कर। किंतु प्रभु, यदि राहु अपने उद्देश्य में सफल हो गया, यदि उसने सच में गोकुल और बरसाना की मित्रता खंडित कर दी, तो क्या होगा? प्रभु, नंदलाल और देवी राधा एक दूसरे से किस प्रकार मिल पाएंगे? प्रभु, देव ऋषि, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपकी माता ही दे सकती। माते? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है, अपितु ये तो नंदलाल का सत्य सबके सम्मुख लाकर उन्हें दंडित कराने का प्रयास कर रही। देव ऋषि, हम नंदलाल को दंड दिलवाने का प्रयास नहीं कर रहे, अपितु हम केवल अपने परम भक्त वृषभानु के ऊपर लगे मिथ्या आरोपों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपके प्रभु ही तो कहते हैं ना देव ऋषि, कि अपने भक्तों की रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। नारायण नारायण। प्रभु, माते उचित कह रही हैं। देव ऋषि, तो जिस प्रकार आपके प्रभु अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी केवल अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं, और ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, स्वयं आपके प्रभु भी नहीं। देवी सुनिए तो, हम आपको अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोक रहे हैं। नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहु का प्रभाव ब्रजमंडल से बढ़कर वैकुंठ लोक तक पहुंच गया है। अब क्या होगा? प्रभु, नारायण नारायण। मैया, माखन नहीं है तो क्या हुआ? आपकी ये मालपुए तो है ना मैया, यदि प्रतिदिन माखन चोरी चले जाए ना, तो मैं तुम्हारी स्वादिष्ट मालपुए भी खा सकता हूँ। गाली! ओ गाली!
इस नच्छड़ी गोपी को क्या गिर गया जो पुनः अपनी सखियों के संग मेरे घर आ धमकी है। अरे राधा बिटिया, बहुत सही समय पे आई हो। आओ, मैंने कान्हा के लिए मालपुए बनाए हैं, तुम भी खाओ। काकी, हम यहाँ मालपुए खाने नहीं बल्कि अपने कान्हा को लेने आए हैं। कान्हा, शीघ्रता करो, चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। किंतु गोपी, अभी मैं भोजन कर रहा हूँ। गोपी ग्वाले, तुम्हारे भोजन से अधिक महत्वपूर्ण कार है। राधा बिटिया, गोपी क्या कर रही हो? राधा बिटिया कहाँ लेके जा रही हो? आप सभी को लगता है गोकुल का दूध मक्खन बरसाना वासियों ने चुराया है। आपने इसका आरोप हमारे बाबा पर लगाया है, किंतु ये सत्य नहीं है। तो राधा बिटिया, सत्य क्या है? काका, मक्खन की चोरी ना तो बरसाना वासियों ने की है और ना ही हमारे बाबा ने, बल्कि आप सभी का मक्खन चुराने वाला तो आपके गोकुल का ही है। गोकुल का? गोकुल? गोकुल का? और वो मक्खन चोर और कोई नहीं बल्कि आप सभी का प्रिय कान्हा। कान्हा? 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 नारायण नारायण माते, अंततः आपने अपने भक्त और पिता वृषभानु की रक्षा के लिए नंदलाल के सत्य से सबको अवगत करा ही दिया। देवऋषि, न केवल मेरे पिता वृषभानु के ऊपर लगे आरोपों को दूर करने का, अपितु बरसाने और गोकुल के बीच मित्रता बचाने का केवल यही एक मार्ग था। नारायण नारायण, सत्य वचन माते, सत्य वचन। मैं समझ सकती हूँ, आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा, किंतु यही सत्य है। आप सभी का कान्हा ही आपका माखन चोर है। बाबा, ये राधा बिटिया क्या कह रही है? राधा वही कह रही है जो सत्य है, और सत्य सदैव कड़वा होता है। राहु अब इस कड़वे सत्य को स्वीकार करवा कर ही रहेगा। कान्हा, क्या ये सच है कि सारा माखन तुमने चुराया है? कान्हा, क्या एक बार भी तूने नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा? कान्हा, हम तो तुम्हें अपना जीवन दाता समझते थे, किंतु तुमने तो हमें मृत्यु के मुख पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों किया कान्हा ऐसा, बताओ कान्हा। नारायण नारायण प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जैसे संपूर्ण गोकुल राहु के प्रभाव में है। लल्ला, बोल सच क्या है? ये राधा जो कह रही है वो सत्य है या सत्य? मैया, मुझे नहीं पता कि मैंने माखन चोरी किया है या नहीं, किंतु ये सत्य है कि मैंने अपने सखाओं को और ब्रजमंडल के सभी ग्वाल बालों को मक्खन अवश्य खिलाया है। कान्हा, बात को घुमाओ मत, सीधे सीधे स्वीकार करो कि पूरे ब्रजमंडल का माखन तुमने चुराया है। ठीक है बाबा, यदि अपने घर का माखन खाना चोरी है तो हाँ, मैंने चोरी की है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हूँ माखन चोर। नंद जी, कान्हा ने घोर अपराध किया है। नंद जी। हाँ नंद जी, हमने कान्हा के कारण वरसाना को भी अपना शत्रु मान लिया था। नंद जी, आपने ही कहा था जो माखन चुराया होगा उसे दंड मिलेगा। अब आप ही बोलिए, आप अपने पुत्र कान्हा को क्या दंड देंगे? कान्हा को दंड, यही तो मैं चाहता था।